बताते हो या जहाँ से सीखता है, अंदर इसकी स्मृति स्टोर नहीं होती, भूल जाता है, क्योंकि ब्रेन पूरा इसका डेवलप नहीं हुआ है। मृत व्यक्ति होते हैं, खास करके मेरे रिलेशन में कोई भी हो, इवन मोहल्ले के, वो सब बहुत दिखते हैं, और दूसरों की मृत्यु का आभास भी बहुत अब नहीं दिखेंगे। और मेरे डीएनए में 3 लोग हैं, मतलब परिवार है, हम हस्बैंड वाइफ और हमारा बच्चा है। तो पहले ये लेकर आई थी माँ बाबा और आपके लिए, वहाँ पे जो डेट्स रहते हैं असॉर्टेड डेट्स, वो लेकर आई थी। थैंक यू बेटा, बहुत धन्यवाद आपको। गुरु जी, एक्चुअली जनवरी मुझे यहाँ के बारे में मेरे एक रिलेटिव ने बताया था, और जनवरी से मैंने यूट्यूब में देखना शुरू किया था जी। और उसके बाद कुछ अनुभव किया था, मैंने आपको देखा था अपने सपने में, अपनी चिकित्सा स्वयं की करते हुए, लेकिन चिकित्सा के पश्चात आपने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा और मुझे एक चीज़ बोली कि तुमने अपने पैर क्यों बांध के रखे, ये बोला था आपने। उसके बाद मैंने धीरे से संकल्प करना शुरू किया, मैंने और मेरे बच्चे ने संकल्प करना शुरू किया, और आप जिन चीज़ों को मना करते हैं करने के लिए उन चीज़ों को कर रहे थे, एक्चुअली पता नहीं था। तो धागा वगैरह वो सब चीज़ें हटाई, इसको 15-20 दिन बहुत बुखार वगैरह आया, वो चीज़ें चली, और उसके बाद अब आने का यहाँ सौभाग्य मिला था। स्मृतियों के बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया जाए, जो स्मृतियाँ मैंने स्मृतियाँ रखी जाए, ठीक है बेटा, ये अच्छा होगा। इसको क्या होता है, जो चीज़ आप इसको सिखाते हो, बताते हो, या जहाँ से सीखता है, अंदर इसकी स्मृति स्टोर नहीं होती, भूल जाता है, मतलब चीज़ों को आप बताओ भूल जाएगा, ऐसे वाली हैं स्मृतियाँ, बाहर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, निकल जाती हैं। ये ब्रेन पूरा डेवलप ना होने के कारण है, ठीक है। अभी वो सब रास्ते बंद किए गए हैं ताकि स्मृतियाँ इसमें बनी रहें, जो स्मृतियाँ जो सीखे समझे वो इसमें बना रहे स्मृति के रूप में, है ना। तो ठीक रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि ब्रेन पूरा इसका डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा, लेपन इसका करते रहना है जी। और यहाँ नहीं लाए होते तो धीरे धीरे पागलपन की ओर जाता, फिर पागल होता। आप लोग कहते पागल है, जब कोई बात का जवाब ही नहीं दे पाता, इसकी स्मृति ही नहीं होती, तो लोग कहते पागल है ये, कुछ का कुछ बोलता, कुछ का कुछ करता। तो अभी वो तो स्टेज ख़त्म हो गई, वो तो सब रास्ते बंद हो गए। अब जो भी ये सिखाएंगे, बोलेंगे, बताएंगे, सब इसके अंदर स्टोर होना शुरू होगा, बाहर निकलने वाला रास्ता बंद हो गया स्मृति का, स्मृति इसकी नहीं रहती अंदर। वो सब दरबार की कृपा से तमाम चीज़ें, ये सब तमाम इसके कष्ट हैं आप सबके। दे दो पढ़ने के लिए। गुरु जी, आपके पैर छू सकता है, कह रहा था। हाँ बिल्कुल, जाओ। एक तब भी बोला था, खुश हो बेटा, क्या नाम है? अरे वाह, ट्रॉफी खिलाई जाए भाई, क्या तो स्कूल जा रहे हो आप? अच्छा, दोनों हाथ एक साथ, खुश रहिए जी। गुरु जी, एक चीज़ कहनी थी मुझे, बचपन से जैसे जो है, जितने भी मृत व्यक्ति होते हैं, खास करके मेरे रिलेशन में कोई भी हो, इवन मोहल्ले के, वो सब बहुत दिखते हैं, और दूसरों की मृत्यु का आभास भी बहुत। अब नहीं दिखेंगे। अच्छा, वो सब यहाँ थी, दिखाते थे, अब नहीं दिखेंगे। अच्छा। अब आप किसी को देखने कोशिश करो, आपको चेहरा ही नहीं दिखेगा। नहीं, वो मैंने कल किया, नहीं दिखा मुझे। नहीं दिखेगा, लेकिन पहले जैसे दिखते थे। पहले तो दिखेंगे ही, पहले तो। और गुरु जी, एक और चीज़, जैसे मेरी शादी जब से हुई है तब से एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग ट्राई करते हैं एक साथ रहने का, लेकिन क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ उनका जॉब दूसरी जगह, हमारा जॉब दूसरी जगह। OCD के कारण अंदर की स्मृतियाँ दूर करती हैं। अच्छा, अभी ऐसा नहीं है, सब अच्छा होगा, बाबा माँ से प्रार्थना करना। अच्छा, और इसके लिए क्या महाहवन वगैरह करना है? हाँ, वो तो करना है, लेकिन लेपन जरूर करते रहेंगे। लेपन हम करते रहेंगे। आप महाहवन के लिए हमें एक्चुअली वापस भी जाना है, तो आप बता दीजिए कब करवाना है, करना है हमको महाहवन करने के लिए। बेटा, वहाँ ऑफिस से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा,
कल हो जाएगा गुरुजी? बेटा हम कह नहीं सकते वहाँ पे क्या स्थिति है, है ना? वहाँ जाके, और क्या नाम इसका? जावियान आशु तिवारी। गुरुजी वैसे मैंने अपने घर से अपना जो सामान आप मना करते हैं ना वो हटा दिया, लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं, तो वो मैं यहाँ से जाके हटा सकती हूँ ना उनको? बिल्कुल। और एक और चीज़ कहनी थी, बहुत गंदगी। एक और चीज़ बोलनी थी आपसे कि मुझे थायराइड का बताया था, तो जब बहुत पहले बताया था तब मैंने चेक कराया था, उन्होंने ऑटो इम्यून बोला था, तो क्या मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी कि महाहवन की? बेटा कैंसर बन रहा था आपको, गले में, यूट्रस में, ओवरी साइड सब भयंकर इन्फेक्शन थे, गांठे गांठे हो, इसमें पढ़ा होगा आपने, गांठे गांठे डेवलप हो रही थी आपको जी, है ना? जो कैंसर की गांठे हैं ये सारी जो आपको सब तमाम हुई हैं। आदित्य 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 इधर, आपने पढ़ा इसको ठीक से अपने कष्टों के बारे में? देखा देखा। ये सब कैंसर की गांठे थे अंदर, जो दरबार की कृपा से सब डिस्ट्रॉय हो रही। अच्छा ठीक है, लेपन करना? अच्छा लेपन गुरुजी 3 महीने 6 महीने इसका? 6 मंथ इसका तो लंबा चलेगा। अच्छा 1.5-2 साल भी चल सकता है। अच्छा बीच में ब्रेक कर करके करते हैं। मुझे महाहवन की जरूरत नहीं है? नहीं, आप लेंगे संकल्प इसका और करेंगे। मैं कर सकती हूँ ना इसका? ठीक ठीक, मैं नाम गुरुदेव। खुश हो बेटा।